से पहल की है। इसके लिए सुपोषित छत्तीसगढ़ की ओर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि हैं। तो सीधे आपको रायपुर ले चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और इसके साथ ही अब हम स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं श्री मनोज सिंह बघेल जी को। श्री मनोज सिंह बघेल संपादक स्वराज एक्सप्रेस और लल्लूराम.com। स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के मुहिम सुपोषित छत्तीसगढ़ की ओर में पधारे छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, आवास पर्यावरण वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, इसके अलावा काफी प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं महिला एवं बाल विकास के सचिव सिद्धार्थ कुमल परदेशी जी, स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी, कमलप्रीत सिंह जी, पीसीसीएफ साहब, खासतौर पर यूनिसेफ जो कि हमारे इस पूरे कार्यक्रम का टेक्निकल पार्टनर रहा है और उन्हीं के गाइडेंस में हमने ये इस आयोजन की रूपरेखा तय की थी। उनके चीफ यहाँ मौजूद हैं प्रशांता दास जी, हम उनका भी वेलकम करते हैं। इसके अलावा हमारे लिए आज बहुत गौरव का विषय है कि हमारे बीच में एक इंटरनेशनली काम करने वाली सुपोषण को लेकर जो इंटरनेशनली काम करती हैं डॉक्टर शीला वीर जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कई अवार्ड मिल चुका है और सुपोषण की दिशा में काफी लंबा एक्सपीरियंस है इनका। 30 साल से ज्यादा समय से इस पर काम कर रही हैं और इस संबंध में दूसरे देशों में भी वो जाती हैं और वो आज हमारे बीच में हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। चूंकि बाबा साहब को जल्दी निकलना है, उनकी फ्लाइट है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। काफी सारे लोग और महिला बाल विकास विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। मैं सभी का स्वराज एक्सप्रेस और लल्लूराम.com परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनोज सिंह बघेल जी। और अब पूरे सम्मान के साथ और तालियों की आवाज के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय श्री टीएस सिंहदेव जी को। और इससे पहले कि मैं उन्हें उद्बोधन के लिए निवेदन करूं, आपके स्वागत के लिए मैं स्वराज एक्सप्रेस और लल्लूराम.com के तीनों डायरेक्टर को आमंत्रित करती हूँ, श्री नमित जैन जी, श्री अमित जैन जी और श्री देवेंद्र मिश्रा जी को, कि प्लीज आए और माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। और इसके साथ ही उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री महोदय को। आज के बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की उपस्थित आदरणीय साथी मोहम्मद
अकबर जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, आदरणीय रामदास जी, सम्माननीय नमित जैन जी, सम्माननीय देवेंद्र मिश्रा जी, सम्माननीय मनोज बघेल जी, उपस्थित प्रशासन के सभी वरिष्ठ प्रतिनिधि साथी, मीडिया के सभी साथी, समाजसेवी संस्थाओं के उपस्थित जागरूक और संवेदनशील प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी जरूर मैंने मांगी और ली, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और उसके तकनीकियों की मुझे जानकारी शायद बहुत ही कम होगी। फिर भी जो डॉक्टर साहेबान आए और अनुभवी लोग, इस फील्ड के विशेषज्ञ, प्रशासन के अनुभवी प्रतिनिधि, ये सबकी जवाबदारी है, साथ में हम लोग की और सबसे आगे हम लोग की, कि आज वैश्विक स्तर में अगर देश में कुपोषण से प्रभावित नागरिकों की संख्या दुनिया की 3 में 1 अगर भारतवर्ष में है, तो ये निश्चित रूप से बड़ी चिंता की बात है। विशेषज्ञ यहाँ हैं, आप रास्ता भी बताइए, यूनिसेफ के प्रतिनिधि और उनके बहुत सारे कामों को मुझे नज़दीकी से झलकों को देखने का, झलकियों को देखने का मौका मिला। बहुत गहराई तक जाके बहुत अच्छा काम उन लोग कर रहे हैं, विशेष करके जानकारियों के एकत्रीकरण का। किसी भी समस्या के निदान के लिए सबसे पहले उसको स्वीकारना, उसके बारे में जानना, समझना कि वस्तु स्थिति क्या है, और फिर उसे दूर करने की पहल करना। आज हम लोग इसी पड़ाव में पहुंचे हैं, कहने के लिए आज़ादी के इतने साल बाद फिर भी जिन परिस्थितियों में आज ये जवाबदारी हम लोगों को संभालनी है वो चिंताजनक है। जानकार लोग हम लोगों को भी बता रहे हैं, समाज को बता रहे हैं कि कुपोषण से प्रभावित होने की स्थिति कंसेप्शन से लेके 2 साल की उम्र पूरा होते तक, ये 1000 दिन का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि ये जीवन के पहले 1000 दिन ये कुपोषण से व्यक्ति को, मानव को प्रभावित करने वाले सबसे क्रिटिकल दिन होते हैं। तो ये पहले जीवन के 1000 दिनों में कैसे हम मानव जीव को पोषित और सुरक्षित बना सकते हैं, यही चुनौती आज हम लोगों के सामने है, और इसके निदान के लिए जो भी कदम उठाए जा सकेंगे ये हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी होगी। महिला बाल विकास अनिला जी के पास है, स्वास्थ्य विभाग हम लोग देख रहे हैं, अन्य जुड़े हुए, क्योंकि ये कुपोषण केवल अनाज से अमरजीत भाई अभी नहीं है, नहीं तो खाद्य विभाग के भी शासन के प्रतिनिधि यहाँ थे। केवल खाने की बात नहीं है, लोग बताते हैं, साफ सफाई से लेके नए आदतों की बातों से लेके नए लाइफस्टाइल से लेके स्वच्छता और स्वच्छ जल तक की बातें, ये कई फील्ड्स हैं, मल्टीफेसेटेड इश्यूज हैं जिनको एक साथ हमको समाधान करना होगा। किसी एक का समाधान होगा तो आंशिक ही सफलता या आंशिक ही पहल उसको माना जा सकता है। जब हमने टारगेट कर लिया है कि किनको हमको सबसे पहले प्रभाव शासन के नीतियों के, प्रशासन के नीतियों के प्रभाव में लाना है, तो गर्भ में आने के साथ जीव के पहले 2 साल एडोलेसेंट हमारी बच्चियां जो आने वाले समय में माता भी बनेंगी, शिक्षा, गरीबी, खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्न का वितरण, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था, बेहतर पेयजल, बेहतर स्वच्छता, कोई ऐसी चीज नहीं है, गिनने के लिए बहुत सारी हो सकती हैं, शिक्षा छूटता है लेकिन शिक्षा बुनियादी, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको एक साथ आज की ये सरकार छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकती है। आप लोग हम लोगों को बताएं
हम लोगों के ध्यान में सारी बातों को लाएं, कहां शासन से नीतियों को बनाने में कमी हो रही हो, कहां पर प्राथमिकता देने की आवश्यकताएं हैं। हम लोग सदैव आप लोगों के योगदान के लिए, आपके विचार के लिए, आपकी एक्सपर्टीज को ग्रहण करने के लिए हर हमेशा खुले आप हम लोगों को पाएंगे। आज के दिन इतने ही कहते हुए कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण की प्रतिशतता को, जो शायद आज 36-37% हो, जल्द से जल्द मिटाने की बात ना हो, 25% से नीचे एक सुनिश्चित समय कालावधि में हम कैसे ला सकते हैं, ये 2-3 साल के अंदर की बात होनी चाहिए, कैसे हम ला सकते हैं, ये चुनौती आज की इस बैठक के बाद हम सबकी होगी। मिलके इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप सभी का सहयोग आमंत्रित है, मार्गदर्शन आमंत्रित है। आज हम सबको आपने यहाँ बुलाया, परिवार के बीच में, परिवार के सदस्य के रूप में बुलाया, एक सहभागी के रूप में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मानव। माननीय मंत्री महोदय, ये मंच आकांक्षी है आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए, और मैं आमंत्रित करती हूँ डायरेक्टर स्वराज एक्सप्रेस श्री नमित जैन जी, श्री अमित जैन जी और श्री देवेंद्र मिश्रा जी को कि वो आएं और माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सुपोषण की ओर छत्तीसगढ़, इस विषय पर काफी सार्थकता के साथ सोचा जा रहा है और संवेदनशील सरकार के संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री टीएस सिंहदेव जी ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए हम पूरी टीम की ओर से आपका आभार प्रदर्शित करते हैं। और इसी सब